हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ब्रदर्स चैनल शहजादा गेमिंग। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है यार आप लोग ठीक होंगे, अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों से हम लोग एक चीज़ का वेट कर रहे थे कि एक ट्राई मोड आने वाला है, ट्राई मोड आने वाला है, आखिर ये ट्राई मोड क्या है। सो गाइस, वो वेट अपना ख़त्म हो चुका है। जो ये ट्राई मोड है, ये ट्राई मोड जो है पबजी ने अभी अपडेट दे दिया है। सो आखिर में ये ट्राई मोड है क्या? ये ट्राई मोड पूरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो भाई हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, रहा घंटी का आइकन दबाना नहीं भूलना। सो गाइस, ये ट्राई मोड जो है ये पबजी के अंदर अब आ चुका है। और क्या है कि वीक फोर के अंदर एक मिशन जिन लोगों के ओपन हो चुके हैं उनका आ चुका है, जिनका भी वीक फोर का मिशन ओपन नहीं हुआ है उनको भी मैं बता दूं कि वीक फोर के अंदर भी एक मिशन आने वाला है कि ईट अ जंगल फूड 10 टाइम्स इन ट्राई मोड। सो वो मिशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाऊँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। सो अब मैं चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपका टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पूरा आपको आगे तक कट करके दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। पबजी वालों ने गाइज एक चीज़ इसमें क्या कर दिया कि इस ट्राई मोड को जो है वो एकदम अलग से नहीं किया है इन्होंने, सैंडहॉक मैप के साथ ऐड कर दिया है। तो क्या है कि अब ये रैंडमली चूज़ होता है, मतलब आप अलग से चूज़ नहीं कर सकते कि आपको ट्राई मोड्स खेलना है, मतलब ये रैंडमली आएगा, या तो आपका सैंडहॉक मैप आएगा या आपको ट्राई मोड आएगा सैंडहॉक मैप के अंदर। सो अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ट्राई मोड स्टार्ट हो गया या फिर सैंडहॉक नॉर्मल आपका चल रहा है। सो जब आप मैप के अंदर क्लिक करोगे, जब आप लॉबी में आप मैप पर क्लिक करके देखना, जब अगर आपका नॉर्मल सैंडहॉक मैप होगा तो आपको मैप के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अब जब आपका ट्राई मोड आपका स्टार्ट हो गया होगा तो आपको मैप के अंदर ये कुछ येलो येलो से ऐसे डॉट्स से दिखने वाले हैं। सो ये डॉट्स क्या है ये मैं आपको बता दूँ, ये डॉट्स जो है एक्चुअली में ये बैलून की लोकेशन है, क्योंकि ट्राई मोड के अंदर एक बैलून आया है, उस बैलून के अंदर आप बैठ के थोड़ा हवा में ऊंचा उड़ सकते हो। उसका भी एक फ़ीचर भी आया है बैलून का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अभी हम कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये लोकेशन सेलेक्ट कर ली जो जिसके पास बैलून के पास, तो अभी वहाँ पर कूद के दिखाता हूँ मैं आपको कि आखिर में ये बैलून क्या है, बैलून का काम क्या है, बैलून को कैसे यूज़ करना है और बाकी फ़ीचर्स मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। सो चलिए अभी हम चलते हैं बैलून के पास। अभी क्या है कि आप देखना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक हम बैलून के पास पहुंच रहे हैं इस मोड के अंदर पबजी ने एक चीज़ और डाली है, वो मैं आपको नीचे दिखा भी दूंगा विद प्रूफ, कि क्या है कि जब तक आपको गन या नेड्स वगैरह नहीं मिलेंगे इस मैप के अंदर, जब तक आपके पास गन नेड्स वगैरह मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप एनिमी को डैमेज दे सको, तब तक क्या है कि आप एनिमी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब जो हम मुक्कों से मुक्कों से बंदों को मार देते थे, तो तब जब तक हमारे पास गन वगैरह नहीं है हम बंदों को मार नहीं सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जब ये देखिए आपको दिख गए होंगे बैलून्स कितने सारे हैं इधर। सो थोड़ा हम लेट हो गए, बैलून हवा में बंदे पहले ही लेके भाग गए। तब तक मैं आपको और भी कुछ चीज़ बता देता हूँ जब ये बैलून नीचे आएगा, मतलब इस बैलून का क्या, ये एकदम गन वगैरह कुछ उठाता नहीं हूँ मैं। सो अभी हम दोबारा मैंने ये गेम स्टार्ट किया है और इस बार किस्मत से मुझे बैलून भी मिल गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से पहले इस बैलून का काम क्या है। सबसे पहले जब आप बैलून के पास जाओगे तो आपको बैलून के जब आप नीचे आपको बैलून के अंदर जंप करके अंदर चढ़ना है, मतलब आप बाहर से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले आपको इसके अंदर आना है, फिर आप जब इस पर आओगे तो आपको कंट्रोल का ऑप्शन आएगा, फिर आपको दो ऑप्शन आएंगे, ये एक असेंड वाला और एक डिसेंड वाला। असेंड करोगे तो आपका बैलून ऊपर जाएगा, डिसेंड करोगे तो नीचे आएगा। तो एक लिमिटेड हाइट होती है, इस हाइट के ऊपर जब आप आओगे फिर आपको करना क्या है, आपको अपने बंदे को पीछे हटा लेना है, मतलब जो आपका ये जॉयस्टिक वगैरह होती है इससे आपको बंदे को मूवमेंट दे देनी है। तो आप जब मूवमेंट दे दोगे तो आपको एक ये ऑप्शन आएगा लुक अराउंड वाला। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये लुक अराउंड क्या है। जब आप इस लुक अराउंड पे क्लिक करोगे तो आपको एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस लुक अराउंड करने से होगा क्या। जैसे ये टाइमर आपका ख़त्म होगा तो आप अपना मैप खोलना, मैप जब आप खोलोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा आपके मैप के अंदर, ये रेड रेड ग्रीन येलो वाले डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सो क्या होता है कि
ये कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको लूट वगैरह मिलेगी, मतलब इन जगह पे आप जाओगे तो आपको लूट वगैरह मिलेगी आपका। और वो मैंने जैसे बोला था कि ये इस बैलून से आप कहीं नहीं जा सकते, इस बैलून से बस आपका यही एक फ़ीचर दिया गया, इस बैलून से यही आपको फ़ायदा देने के लिए किया गया है कि आप लुक अराउंड करो और आपको पता चले कि आपके आसपास कौन सी क्या लोकेशन है। सो चलिए अभी हम बैलून को नीचे ले चलते हैं और मैं आपको फिर उस जगह पर जाके दिखाता हूँ कि आपको वहाँ पर क्या मिलने वाला है। सो अभी हम नीचे आ गए हैं, नीचे आने के बाद हम उतर जाते हैं बैलून से। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपका मिशन आने वाला है कि ईट 10 जंगल फूड इन ट्राई मोड। तो अब मैं बता देता हूँ जंगल फूड क्या है, उससे उसके बाद हम उस लोकेशन पे चलते हैं। सब जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारी जगह पे आप जब गेम खेलते रहोगे तो आपको ये देख रहे हो आप सामने, ये है जंगल फूड। ये आपको ऐसे ही मतलब रैंडमली मिलेगा, आपको कहीं भी मिलेगा तो आप इसको पिकअप कर लो, इसके पास जाके आप इसको पिकअप कर लोगे तो देख रहे हो कैसे खोद के निकाल रहा है। तो मुझे 6 मिल गए, मतलब एक बारी में आपको 6 मिलेंगे। ऐसे आपको और ढूंढ के आपको 10 कर लेना है। और आप जब इसको खाओगे, सबसे पहले मैं आपको उस लोकेशन के पास चल के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जंगल फूड खाने का भी इसमें 2 फ़ायदे हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे अब मेरे पास ये मैं इस येलो डॉट के पास मैं आ गया हूँ। तो जब आप इसके पास आओगे तो आपको एक इनवोक का ऑप्शन आने वाला है, तो आप इनवोक पर क्लिक करोगे तो आपका बंदा ये देखिए क्या, ये देखिए बंदा इसको प्रेज कर रहा है, मतलब इसकी पूजा कर रहा है। तो इसमें अंदर से आपको क्या है लूट मिलेगी, जैसे अभी मुझे फर्स्ट एड और लेवल 3 का मिला है, आप इससे एक ही बार ले सकते हो, दोबारा आपको इसमें से नहीं मिलेगा, आपको और जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ये हो गया ये चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ आपको जंगल फूड का फ़ायदा क्या है और आपको जंगल फूड का क्या करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मैं देखा हूँ आप क्लिक, देखिए मैंने अभी ईटिंग ईटिंग लिखा हुआ आ रहा है, मैंने जंगल फूड खाना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी ये देखिए जैसे ही जंगल फूड मैंने खा लिया तो आपके बगल में ये देखिए एक ऑप्शन आएगा, इस पर लिखा हुआ है व्हाइल दिस इफेक्ट इज़ एक्टिव द मिनी मैप विल डिस्प्ले द डिस्टेंस टू ऑडियो मार्कर्स। मतलब क्या है कि आपके आसपास कोई भी बंदा जाएगा या कोई भी आवाज़ आएगी, मतलब जैसे कोई फायरिंग वगैरह हो रही है या कोई गाड़ी जा रही है, तो इस टाइम जो आपका ये एक्टिवेट हुआ है, मतलब जंगल फूड खाने से हर बार कुछ ना कुछ नया नई चीज़ एक्टिवेट होगी। 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी मेरा ये हुआ है ऑडियो वाला, तो इसमें क्या होगा कि मेरे आसपास से कोई गाड़ी जाएगी या मेरे आसपास कहीं भी फायरिंग हो रही होगी ना, तो मेरे मैप के अंदर एक डिस्टेंस बना हुआ आ जाएगा। जैसे अभी कुछ हो नहीं रहा है वो मैं आपको दिखा देता कि क्या है, डिस्टेंस बना आ जाएगा कि आपसे उस फायरिंग का या उस गाड़ी की कितनी दूरी है, लोकेशन क्या है जहाँ फायरिंग हो रही है या जो गाड़ी जहाँ पर जा रही है वो उसका आपसे कितनी दूरी है। सो ये वहाँ पर होता है। अगर अब मैं दोबारा जंगल फूड खाता हूँ फिर देखते हैं अभी कुछ नया खुलता है। तो देखिए अभी ये यू फील अ लिटल डीजी, ये कुछ नहीं है, ये मतलब आपको उल्टी आने वाली है। मैंने मतलब मैंने ज़्यादा खा ली है तो मैं उल्टी भी कर सकता हूँ, तो अब मैं दोबारा खा लेता हूँ। सो कई चीज़ें आती है जब आप जंगल फूड खाते हो, ये देखिए मतलब जब तक वो पुराना ख़त्म नहीं होगा और अगर आप खाते रहोगे तो आपको कुछ भी नया नहीं खत्म शुरू होने वाला है। जैसे ही जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना मेरा, ये ख़त्म होएगा, उसके बाद मैं आपको खा के दिखाऊंगा कि फिर क्या होता है। अभी वैसे कोई फायरिंग हो भी नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको ये चीज़ भी मैं करके दिखा देता कि इधर ये इसका क्या बेनिफिट है वैसे, क्योंकि जंगल फूड के कई बेनिफिट इसमें दिया हुआ है। एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कोई एनिमी आपका फायरिंग करता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो आपसे कितनी दूर होकर आप पे गोलियां मार रहा है। और एक और बेनिफिट है जंगल फूड का, वो भी इसमें आपको मिलेगा, वो ये है कि आपको पता लग सकता है कि मतलब जो ड्रॉप्स जो गिरते हैं तो आपको मैप के अंदर ड्रॉप अलग से गिरा हुआ मिल जाएगा, कि तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ड्रॉप की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको जंगल फूड खाने से पता चल जाएगी। ठीक है, बाकी अभी ये ख़त्म होते ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये ख़त्म होने ही वाला है अगर कुछ नया ऑप्शन मेरा खुलता है तो। अगर यही दोबारा खुल गया तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या है, अभी दोबारा ईट करते हैं हम फिर देखते हैं। जैसे अब मैंने फिर दोबारा मेरे को वही ऑडियो मार्कर्स वाला ऑप्शन मिला है। सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी ये ऑडियो मार्कर वाला आ रहा है ना, वैसे ही एक और ऑप्शन आता है। अभी वीडियो को मैं थोड़ा पॉज करूँ या चलो मैं आपके लिए वीडियो पॉज कर देता। एक चीज़ मैं और को आपको बता देता हूँ जंगल फूड आपको कहाँ से एक और चीज़ से भी मिल सकता है, जो ये बॉट्स जो गेम के अंदर आते हैं। जैसे अभी मैंने एक बॉट को मार दिया है, सो जब आप बॉट 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 को लूटते हो तो आप देख रहे हो बॉट के कैरेट के अंदर भी जंगल फूड है। मतलब एक बॉट भी आपको है ना, बॉट आपको एक जंगल फूड प्रोवाइड करके जाता है, तो आप बॉट से भी जंगल फूड ले सकते हैं। सो ये भी एक प्लेस है आपको जंगल फूड, अगर मान लीजिए आपको ग्राउंड में कहीं मिल नहीं रहा है तो आप ऐसे बॉट को मार के भी आप जंगल फूड ले सकते हैं, या आप किसी प्लेयर को मारोगे उसने जंगल फूड उठा रखा होगा तो आपकी आप उसकी क्रेट से भी आप जंगल फूड लूट सकते हैं। सो इसमें लूट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी देख लो मुझे सामने जंगल फूड भी पड़ा हुआ दिख रहा है, पहले हम इन्वोक कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या क्या मिला ये देख लीजिए आप, बैरियर टोटम वगैरह सब मिला है, तो हम वो भी देखेंगे कि ये बैरियर टोटम वगैरह क्या यूज़ में आता है। जैसे ये देखिए लॉस्ट ट्रंक,
लॉस्ट ट्रंक मिस्टीरियस ट्रेजर ऑफ द जंगल ट्राइब यूज इन द इवेंट पेज टू एक्टिवेट। मतलब ये क्या है कि एक इवेंट आएगा आपका जंगल ट्राइब मोड से रिलेटेड है, आपका एक इवेंट भी लॉन्च होने वाला है, तो ये आपका उस टाइम ही आपको काम में आएगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये चीज़ भी आप उठा सकते हो, आपको उठानी पड़ेगी मतलब अगर आपको कुछ नए रिवॉर्ड्स वगैरह चाहिए। सो और एक और चीज़ हमें मिली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं जोन पकड़ लेता हूँ। तो एक चीज़ और मिली है हमको, बैरियर टोटम। ये क्या है, क्रिएट्स अ बैरियर आफ्टर बीइंग थ्रोन। मतलब तुम्हारा भाई वीडियो के चक्कर में फिर मर गया है। सो मुझे लग रहा है वैसे मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है मैं आपको, लेकिन करके नहीं दिखा पाया। तो मैं आपको बता दूं वो भी आपका एक ऑप्शन आएगा कि आप जंगल फूड जब खाओगे तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी, एग्जैक्ट आपका ड्रॉप बना हुआ आ जाएगा आपके मैप के अंदर रेड रेड कलर का। सो एक यही लास्ट फीचर बचा था, इसका और कुछ नहीं था। सो अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी हंसी भी आई होगी आप लोगों को, मैं दो बार मर गया वीडियो बनाते बनाते आप लोगों के लिए यार। अगर आप लोग, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ यार, मेहनत अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।